हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर फॉर जेई मेन। एक टॉपिक हम इसका कर चुके हैं जिसका नाम था नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड टॉपिक है जीओसी, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर्ट भी कहते हैं। भाई जीओसी अगर किसी बच्चे की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। एकदम बोले तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी जीओसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो स्टार्ट करते हैं कि जीओसी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन किस कंसेप्ट से आ रहे हैं। जहां तक मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के भी क्वेश्चन आए, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए जिसमें इजी से आप स्कोरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीओसी का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, C2H5OH एंड AgCN बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल। क्या ये दोनों स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकती है? तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझे। तो सबसे पहले बोला है कि न्यूक्लियोफाइल, मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है क्या? तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, वो स्पीसीज जो न्यूक्लियस से लव करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उससे लव कौन करेगा, वो स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या जिसके पास लोन पेयर है। तो न्यूक्लियोफाइल है, लेविस बेस बोल दो या फिर बोल दूं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या फिर मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इसके एग्जांपल होते हैं लोन पेयर हैविंग स्पीसीज, वो स्पीसीज जिनके पास क्या है, लोन पेयर है। तो पहला एग्जांपल हो गया लोन पेयर हैविंग स्पीसीज, दूसरा नेगेटिव चार्जेज स्पीसीज, और तीसरा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आ जाएगा कि कार्बन किसी मेटल से बॉन्डेड होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होगी वो न्यूक्लियस से लव करेगी, लोन पेयर हैविंग स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि लेविस बेस ही न्यूक्लियोफाइल होता है। हमें पहला स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, C2H5OH, क्या इसके पास लोन पेयर है? जी हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल है। AgCN, AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ऐसे दिखाऊंगा। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है क्या? जी हाँ, तो ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा। आपको पता होगा जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैक होता है। KCN से रिएक्शन करवाते हैं तो साइनाइड मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि वहां कार्बन से अटैक होता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, C2H5OH एंड AgCN बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल। जी हाँ, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन खूब आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, KCN एंड AgCN बोथ विल जनरेट नाइट्राइल। तो आप देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करवाते हैं, KCN से RCN मेजर बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट आता है, इसमें RNC ये मेजर बनता है। अब हमसे ये क्या पूछा कि क्या दोनों नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हैं क्या? नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल, आपको पता हो इस न्यूक्लियोफाइल को नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, CN माइनस को। तो देखो KCN जो है ना वो तो है आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं K प्लस CN माइनस? जी हाँ, तो ये तो साइनाइड आयन दे रहा है, नाइट्राइल आयन दे रहा है, नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, तो इसको तो कंसिडर कर लेंगे। बट AgCN जो है ना वो है कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि मैं इसको Ag प्लस
CN माइनस नहीं लिख सकता। Ag प्लस की हाई पोलराइजिंग पावर है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है Ag प्लस, इसलिए यहां मैं इसको Ag प्लस CN माइनस नहीं लिख सकता। तो CN माइनस आयन यहां फ्री नहीं है, तो नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल यहां पे जनरेट नहीं हुआ है। तो फिर ये बना कैसे, ये ऐसे बना, नाइट्रोजन के लोन पे डायरेक्ट इस पे अटैक कर गया, हैलाइड को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो KCN AgCN बोथ जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल, गलत स्टेटमेंट हो गया, ओनली KCN जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल, AgCN नहीं जनरेट कर रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। इस बेस पे आंसर जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। हिंदी देख लेते हैं, C2H5 एंड AgCN दोनों नाभिक नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, स्टेटमेंट सही है। KCN AgCN दोनों सभी अभिक्रिया परिस्थितियों में नाइट्राइल अभिनाभिक नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, गलत है। तो आंसर इसका जाएगा सेकंड। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, द करेक्ट पेयर ऑफ द एम्पिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल इज आर। एम्पिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग समझे पहले, तो कि एम्पिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है। एम्पिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल उनको बोलते हैं कि वो स्पीसीज जिसमें मोर देन वन एटम कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, डिफरेंट एटम होने चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां पेयर पूछा है, तो देखो इधर AgCN है और KCN है। AgCN में नाइट्रोजन से अटैक होता है और दोनों में CN ही है, इसमें भी CN ही है, इसमें भी CN है, और इसमें K प्लस CN माइनस, इसमें C से अटैक होता है। तो यहां पे आप ये देखो कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैंने AgCN से करवाई तो आप किधर से अटैक करवा के आइसोसाइनाइड बनाते हो, नाइट्रोजन से अटैक करके, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि आप KCN से करवाते हो तो किधर से अटैक करवाओगे, कार्बन से। तो था तो CN माइनस ही ना, दोनों में CN माइनस है, तो इसमें CN माइनस किधर से अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन से, इसमें किधर से कर रहा है, कार्बन से। तो यह एम्पिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसमें दोनों हो गए भाई, एक में एक बार नाइट्रोजन से हो रहा है, एक बार कार्बन से हो रहा है, तो इम्पीडेंटेड हो गया ना, दो डिफरेंट एटम हो गए ना। इसमें ये वाली स्पीसीज है दोनों में RCO माइनस, यहां एक बार Ag प्लस लगा दिया और यहां एक बार K प्लस लगा दिया, तो इसमें ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से अटैक होगा, तो ये इम्पीडेंटेड पेयर नहीं है। AgNO2 और KNO2 आपको पता है, एल्किल हैलाइड AgNO2 से रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनता है, RNO2 अटैकिंग स्पीसीज कहां से हुई, नाइट्रोजन से, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 से करवाता हूं, ये वाली स्पीसीज होती है NO, ठीक है, और ये आयनिक होता है, और इसमें अटैक कहां से होता है, ऑक्सीजन से अटैक होता है, क्योंकि यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, यहां ऑक्सीजन से अटैक होके हैलाइड बाहर होता है और यहां बनता है RONO। तो यहां नाइट्रो एल्केन बना और यहां एल्काइल नाइट्राइट बना। तो यहां पे एक में हो रहा है नाइट्रोजन से अटैक और एक में हो रहा है ऑक्सीजन से अटैक, इसमें एक में हो रहा है नाइट्रोजन से अटैक और एक में हो रहा है कार्बन से अटैक। तो ये भी एम्पिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एम्पिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा ऑप्शन अगर हम सर्च करेंगे, ए और सी एम्पिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको फर्स्ट आंसर मिलेगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, AgI और KI दोनों में से अटैक आई से होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। जैसे मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि एनटीओ को लगता है कि एरोमेटिसिटी इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इतने क्वेश्चन आए इजी इजी से क्वेश्चन, इतना एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछे उसने बड़े सिंपल सिंपल से। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं एरोमेटिसिटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड। देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, तीन तरह के कंपाउंड होते हैं, एक एरोमेटिक होता है, एक नॉन एरोमेटिक होता है, और एक होता है एंटी एरोमेटिक। मेरी ट्रिक को समझना आप, साइक्लिक, साइक्लिक मतलब क्या समझे, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तभी होगा कंपाउंड जब वो साइक्लिक होगा। नॉन एरोमेटिक साइक्लिक भी हो सकता है, ए साइक्लिक भी हो सकता है। एक चीज तो यहां क्लियर हो गई कि अगर कंपाउंड ए साइक्लिक हुआ, अगर कंपाउंड एसाइक्लिक हुआ तो 100% नॉन एरोमेटिक होगा, एसाइक्लिक, और कंपाउंड यदि साइक्लिक हुआ तो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है।
साइक्लिक में ये क्या होना चाहिए, प्लेनर, ये भी क्या होना चाहिए, प्लेनर, और ये क्या होना चाहिए, नॉन प्लेनर। तो दूसरा कंसेप्ट निकल के आया कि अगर सिस्टम नॉन प्लेनर है तो 100% वो नॉन एरोमेटिक होगा। ये नॉन प्लेनर भी हो सकता है और प्लेनर भी हो सकता है, और यदि प्लेनर है तो फिर वो तीनों हो सकता है। वापस से सुन ले, एक एक चीज को सुन ले, मैं इसका कंसेप्ट फटा के जाऊंगा पूरा, कि इसका क्वेश्चन आगे आपका नहीं अटके। आप ये सब वीडियो देख रहे हो सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, और माई सेल्फ आरसी देवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर, ठीक है। तो यहां एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट मैं पूरा क्लियर कर देता हूं कि एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट है क्या। मैंने बोला सबसे पहले कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, अगर साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। ए साइक्लिक है तो 100% नॉन एरोमेटिक रहेगा। प्लेनर सिस्टम है तो वो साइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। नॉन प्लेनर ऑलवेज क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। प्लेनर 4n+2π इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, 4n+2π इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होनी चाहिए। इसमें भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, और इसमें होगा प्लेनर है तो ओड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे 3π हो गया, 5π हो गया, 7π हो गया, ये वाला, समझ में आ गई। 4n+2π इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वो पाई इलेक्ट्रॉन जो 4 की टेबल में आते हो, क्यों 4 की टेबल तो आती ही होगी ना, 4, 8, 12 है, मतलब 4n+2π जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो 4 की टेबल में नहीं आती हो, सॉरी थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट निकल गया है, कि यहां जैसे 2π है, 6π है, 10π है, 14π है, 18π है, यहां n की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां 2 हो जाएगी, यहां 3 हो जाएगी, यहां 4 हो जाएगी। ये सब कैसा सिस्टम है, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और क्या ये 4 की टेबल में आते हैं, 2 4 की टेबल में आता है, नहीं आता, 6 आता है, नहीं आता, इवन होना चाहिए और 4 की टेबल का नहीं होना चाहिए, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। 4n पाई किसको बोलेंगे, जो 4 की टेबल में आ रहा हूं, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, जैसे 4π हो गया, 8π हो गया, 12π हो गया, 16π हो गया, 20π हो गया, n की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और ये 5 हो गई। बस यही तो चेक करना है। और ईच एटम मस्ट बी sp2, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हर एक एटम sp2 होना चाहिए, हर एक एटम sp2 होना चाहिए, बस ऐसे ही गिनना है, ठीक है। ये एरोमेटिसिटी का सिंपल सा कंसेप्ट है। और बता दूं, 1π इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक डबल बॉन्ड है तो 1π होगा, लोन पेयर है तो भी 1π होगा, पॉजिटिव है तो 0π गिनेंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, सॉरी यहां पे 2π गिनेंगे, यहां 2π गिनेंगे, और नेगेटिव पे भी कितने गिनेंगे, 2π हम कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव का 0π कंसिडर करना है, ऐसे चेक करना है, क्लियर। और एक बार वापस से आप रिवाइज कर ले, एरोमेटिसिटी का सिंपल सा कंसेप्ट है, कॉपी से जाके नोट्स पढ़ें, समझ में आ जाएगा। चलो मैं इस पूरी कहानी को जो बताया इसको मिटा रहा हूं और क्वेश्चन पे मैं क्लिक करता हूं। देखो इधर sp2 इफ नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहां ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, sp2 है। अब देखो 2, 2, 4, 2, 6, 6π 4 की टेबल में नहीं आता, 6π 4 की टेबल में नहीं आता है,
इसलिए ये कौन सा सिस्टम होगा, 4n प्लस 2 पाई, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये एरोमेटिक सिस्टम हो गया। मतलब फर्स्ट की बात करूं मैं तो ये एरोमेटिक हो गया। सेकंड पे आओ, ये sp3 आ गया क्या, तो ये कैसा सिस्टम है, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर को क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। यहां sp2 ठीक है, प्लेनर सिस्टम है, और 2 to 4 पॉजिटिव का गिनना नहीं है, 4 पाई मतलब कौन सा सिस्टम हुआ, 4n पाई, जहां n की वैल्यू कितने रख दूंगा, 1 रख दूंगा, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इसमें ये sp3 आ गया तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया ना, sp3 आते ही नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक। हमें पूछा एरोमेटिक कौन सा है, आंसर जाएगा फर्स्ट। अब मैं इस कंसेप्ट को बार बार नहीं बोलूंगा, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, उनको हम आगे टिक लगाते जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, ठीक है, बेसिसिटी का कंसेप्ट है। अब इसमें बच्चे ना जाने क्यों इतने कंफ्यूज होते, मेरे को पता नहीं लगता, आज तक पता नहीं लगा, जबकि एक तक सिंपल सा कंसेप्ट है, हाउ टू कंपेयर बेसिसिटी। हम बेसिसिटी को कैसे कंपेयर करें, देखो, अनडीलोकेलाइज लोन पेयर और डीलोकेलाइज लोन पेयर। अनडीलोकेलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक होते हैं डीलोकेलाइज लोन पेयर से। ये बेसिसिटी ऑर्डर भैया, ये वाला, लोन पेयर एक तो डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब डू नॉट इन्वॉल्व इन रेजो, और ये वाला इन्वॉल्व इन रेजो। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, वो प्रोटॉन को इजीली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो रेगुलरली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर वो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, एक ही जगह रहेगा, लोकलाइज लोन पेयर है तो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला अनडीलोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक होते हैं डीलोकलाइज लोन पेयर से। अब डीलोकलाइज, और दूसरा एक कंसेप्ट तो यह है, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेटेड एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। उसका कॉन्जुकेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तीसरा कंसेप्ट, एमाइड ऑलवेज लेस बेसिक देन एमीन। येलो, क्लियर, इन तीनों कंसेप्ट पे हमें बेसिसिटी देखना है। और देखो मैं इन्हीं तीनों पे लगा दूंगा आंसर और क्वेश्चन सॉल्व होने भी लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी, आप मेरा अप्रोच करने का तरीका देखते रहना, ठीक है। एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया, इफ कंपाउंड हैव गुआनिडीन टाइप स्ट्रक्चर then it is highly basic। अब guanidine type structure कौन सी थी, जैसे ये लगा N, ये N, ऐसा skeleton अगर किसी के पास है तो वो highly basic nature का होगा। ये तीनों statement इधर वाले में मिटाऊंगा, मैं उस पर जा रहा हूं, देखिए आप इधर, देखो ये guanidine type है, तो इसके लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसके लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहे, तो ये डीलोकलाइज है, डी से रिप्रेजेंट किया, ये भी डीलोकलाइज है, और इसको यूडी से रिप्रेजेंट किया, ये अनडीलोकलाइज है, तो बेसिसिटी वहां से शो करेगा। तो ये जो कंपाउंड है ना, NH2C डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं गुआनिडीन, और यहां अगर H+ का एडिशन होगा
तो ये किसकी तरह व्यू कर रहा है, एक्ट एज ए बेस, ये बेस का काम कर रहा है। तो यहां NH2 C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और ये NH2, अब ये बन गया इसका कॉन्जुकेटेड एसिड। और ये जो कॉन्जुकेटेड एसिड है ना, ये जो कॉन्जुकेटेड एसिड है ना, दिस कॉन्जुकेटेड एसिड स्टेबलाइज्ड बाय इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इधर से भी दिखा रहा है, इधर से भी दिखा रहा है। तो अगर किसी में ऐसा स्केलेटन आ गया एन, या फिर ऐसा आ गया, तो ये हाईली क्या है, स्टेबल होंगे, हाईली बेसिक नेचर के होंगे। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। फर्स्ट कंपाउंड ये वाला है CH3CO NH CO CH3 फर्स्ट। सेकेंड ये वाला है CH3CO NH ET। थर्ड ये वाला है N ET ET। और फोर्थ ये वाला है ET NH ET। ये एमाइड हो गया क्या भाई, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है एमाइड। और ये भी एमाइड हो गया, एक तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी एमाइड, ये अनडीलोकेलाइज, और ये भी क्या है अनडीलोकेलाइज। तो देखो इधर आपने पढ़ा होगा, तो ये दोनों लीस्ट बेसिक हो गया, क्योंकि उधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये एमाइड है ये भी एमाइड है, तो ये तो कम बेसिक हो गए। अब इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो इसके लिए तो ये वाला तो नहीं आएगा आंसर, ये वाला भी नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। देखो आर एन एच टू आर एन एच आर आर थ्री एन आर एन एच टू आर एन एच आर आर थ्री एन और एन एच थ्री। यदि R बराबर सी एच थ्री ग्रुप रखता हूं, तो ये वन डिग्री है, ये टू डिग्री है और ये थ्री डिग्री है, तब ऑर्डर आता है 213 NH3। लर्न रखो इसको, याद रखो, लर्न इट। R बराबर अगर मैं सी एच थ्री रखता हूं, मिथाइल ग्रुप रखता हूं, तब तो आता है 213 NH3, और R बराबर इथाइल रखता हूं तो आता है 231 NH3। क्लियर। अब व्हेन मिक्स्ड जब दोनों को मिक्स कर दे, इथाइल भी दिया है मिथाइल भी दिया है, तब डब्बा गोल हो जाता है, नहीं करना ना। तो तब उसको क्या करना है, पहले लिखो 231 किसके लिए है, इथाइल के लिए, उसके बाद लिखो 213। तो ये वाला फिगर तो किसके लिए है, ये वाला फिगर तो है R बराबर मिथाइल वाले के लिए, और ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला फिगर है R बराबर इथाइल के लिए NH3 सबसे। तो ये इधर से इधर जा रहा हूं ना, तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, लास्ट में कौन आएगा NH3। बोलो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मिथाइल है तो 213 NH3 लगाना है, इथाइल है तो 231 NH3 लगाना है, दोनों मिक्स आ जाए तो पहले 231 लिखना, फिर 231 लिखने के बाद यहां से 213 लिखना, मिक्स हो जाएगा और पता लग जाएगा। तो यहां 231 टू डिग्री आंसर हो जाएगा फोर्थ। बेसिसिटी का पूरा कंसेप्ट बता चुका हूं, इसी कंसेप्ट पे आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड आर, तो वापस देखो यहां ये क्या आ गया,
sp3 नॉन प्लेनर मतलब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। सभी sp2 है, 2 2 4 2 6 6 pi, 4 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब कौन सा फॉलो कर रहा है, 4n + 2 pi, मतलब क्या बोलोगे, एरोमेटिक। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे सब sp2 है तो ये भी 6 पाई हो गया, 2 2 4 2 6, ये भी क्या हो गया, 4n + 2 pi, ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है भैया, आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं बना देता हूं, ये वाला है पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लेनर तो है, बट प्लेनर तो है बट कितने हैं, 4 pi 4 pi का मतलब 4n pi 4n pi का मतलब एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 4 की टेबल में आता है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको 4 की टेबल तो आती ही होगी, जस्ट ए पार्ट ऑफ जोक, आती होगी डेफिनेटली। तो यहां पे हमसे क्या पूछा था, एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, तो बी और सी है क्या, तो आंसर जाएगा 4th B and C ओनली। नेक्स्ट, वापस बेसिसिटी, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ द बिलो गिवन एमीन्स। देखो बेसिसिटी बेसिसिटी बेसिसिटी, आपने मेरा कंसेप्ट पकड़ के रखा है क्या, पहले डीलोकलाइज एंड डीलोकलाइज, क्या लिखा, फिनाइल मेथेन एमीन। अब इसमें अगले ने नोमेनक्लेचर भी पूछ लिया, फिनाइल मेथेन एमीन का मतलब हो गया PHCH2NH2, और यहां पे ये चेन बनी, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका नाम हो गया फिनाइल मेथेन एमीन। NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो ये रिंग है NN डाइमिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन ये वाला हो गया NH CH3, बेंजेन एमीन NH2 ये रहा। ठीक है, अब सिंपल सा देखो, ये अनडीलोकलाइज है, रेजोनेंस में नॉल नहीं हो रहा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ये क्या हो गए, डीलोकलाइज, तो इसका मतलब मोस्ट बेसिक जो होगा वो ए होगा, ए होगा, मोस्ट बेसिक वो क्या होगा, ए होगा। अब इन तीनों की बात करते हैं, देखो यहां से ये H लगा हुआ है, 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 ठीक है, इसमें क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस डीलोकलाइज्ड पॉसिबिलिटी becomes minimum। इसमें ये HH repulsion हो रहा है, तो ये नाइट्रोजन इस रिंग के साथ प्लेनर नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब्ड होगी, थोड़ी सी इसकी प्लेनरिटी जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, और उस कारण ये इफेक्टिवली रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब यहां और कम, यहां सबसे ज्यादा हो रहा है, यहां और कम हो रहा है, यहां कम हो रहा है, तो मैं ये क्या बोलूं, यहां पे इनमें बात करूं तो यहां टॉप टू बॉटम जा रहा हूं ना, तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज हो रही है, और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीज हो रही है, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले ए आया, उसके बाद बी आया, सी आया, और ये डी आया, ऐसा ऑप्शन चेक करें, आंसर मिल जाएगा ABCD, तो आंसर आएगा 4th। क्लियर, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो ये वाला क्या है, फिनोल, ये वाले तीनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक एसिडिक देन फिनोल, ये तो सबको पता ही होगा,
कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है, और एसिडिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। जहां माइनस आर बढ़ेगा वहां एसिडिटी बढ़ेगी। तो ये तो लीस्ट एसिड हो गया, लीस्ट एसिडिक। यहां NO2 का क्या लग रहा है? माइनस आर, ये सिंपल हो गया। यहां CH3 का क्या लग रहा है? प्लस एच। तो इसमें सबसे ज्यादा सेकंड होगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, और सबसे कम कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि एसिडिटी ऐसे दिखाओ ना, सबसे पहले माइनस आर वाला, फिर माइनस एच वाला, फिर माइनस आई वाला। एस का मतलब है सिंपल, फिर आ जाएगा आपका प्लस आई वाला, फिर प्लस एच वाला, सबसे कम कौन है? प्लस आर वाला। इधर से इधर जाऊंगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट एसिडिक सेकंड हुआ। ऑप्शन मिल रहा है क्या ऐसा? जी हाँ, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी है, वे कंपाउंड विच विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद सॉल्यूशन विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। चलो इसका कंसेप्ट मैं बताता हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको दिया हुआ है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है Na प्लस और HCO3 माइनस, एक्ट एज ए बेस, बेस की तरह एक्सेप्ट करता है, और H प्लस एक्सेप्ट करता है, क्या बनता है? H2CO3। H2CO3 किसमें टूटता है? H2 और CO2, ये CO2 बाहर निकल गई। अब कौन देगा? ठीक है, तो यहां आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन H2CO3 कार्बोनिक एसिड गिव CO2 विथ NaHCO3। एक तो ये बात हो गई, वो एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेरेटिव टू H2CO3 कार्बोनिक एसिड के, वो CO2 देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। कंसेप्ट में बोलूं तो रिएक्शन ऑलवेज गोज इन डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगी? वीक एसिड प्लस वीक बेस डायरेक्शन में जाएगी। तो एसिडिटी ऑर्डर थोड़ा सा आपको पता होना भी चाहिए, क्योंकि एसिडिटी मेनली डिपेंड करती है पीके वैल्यू पे। फिर भी आपको कुछ कंपाउंड की एसिडिटी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला सल्फोनिक एसिड, फिर बोला मैंने पिक्रिक एसिड, फिर मैंने बोला फॉर्मिक एसिड, या फिर ऐसे बोल देता हूं हाँ फॉर्मिक एसिड, फिर मैंने बोला बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? फिर मैंने बोला ये एलिफेटिक एसिड, या फिर यहां पे सी एस थ्री आप लगा सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पे H2CO3 की, और उसके बाद हम बात करेंगे फिनोल की। पिक्रिक एसिड, ये वाला जो एसिड है ना, ये वाला पिक्रिक एसिड है। आप देख लो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सल्फोनिक एसिड, फिर पिक्रिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड, फिनोल है, बट तीन NO2 लगे हुए हैं जिनका माइनस आर लग रहा है, इसलिए ये हाईली एसिडिक नेचर का हो गया। फिर उसके बाद मैंने फॉर्मिक एसिड लिखा है HCOH, उसके बाद ये सिंपल एलिफेटिक एसिड हो गया, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड और फिनोल। ठीक है, तो ये जो इससे आगे वाले एसिड है ना, ये सब CO2 देंगे। मैंने क्या बोला है? एसिड विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन H2CO3 गिव CO2 विद NaHCO3। तो यहां कौन देगा? ये भी देगा और ये भी देगा। अब इसका तो प्लस आर लग रहा है, प्लस आर से तो इसकी एसिडिटी और कम हो गई। आगे बात समझ में? तो ये वाले सभी CO2 दे देंगे। ओके, नेक्स्ट,
ये देखो, मतलब पीछे पड़ा हुआ है एरोमेटिसिटी के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो देखो इसके लोन पेयर, ये भी sp2 है, sp2, sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 pi, मतलब 4n + 2 pi, मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। इसमें देखो कार्बोकेटन sp2 होता है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है, 2 पाई हो गए क्या ये दो, इसको गिनेंगे नहीं, 2 पाई का मतलब ये भी कौन सा हुआ, 4n + 2 pi, क्योंकि 2 पाई 4 की टेबल में नहीं आता है, यहां n की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। यहां ये sp3 नजर आ रहा है क्या, नॉन प्लेनर हो गया क्या, तो क्या बोलूंगा, नॉन एरोमेटिक। ये पूरा सब ऑल आर sp2, कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 and 2, 14, 14 pi, मतलब ये भी क्या हो गया, 4n + 2 pi, जहां n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। आपसे पूछा है नॉन एरोमेटिक कौन सा है, सेकंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज, पीकेबी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, पीकेबी, तो देखो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पीकेबी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केबी के, ये तो पता ही होगा सबको। और बेसिसिटी, यहां पे बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, ठीक है। अब देखो पहला कंपाउंड डीलोकेलाइज, डीलोकेलाइज, यहां भी डीलोकेलाइज, यहां भी डीलोकेलाइज, सब में डीलोकेलाइज हो रहा है, बट यहां पे ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना वो ये वाली है, एच एच, तो ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ड्यू टू स्टेरिक रीजन डीलोकेलाइज टेंडेंसी इज मिनिमम, अभी पीछे बताया था, और यहां मैक्सिमम, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ज्यादा बेसिक होंगे किससे, थर्ड और फोर्थ से। अब इसमें इसका क्या लग रहा है, प्लस आर लगेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, ये सिंपल, तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा सेकंड। यहां दोनों सेम है, सीएन का भी माइनस आई, ओएच का भी माइनस आई, क्योंकि मेटा पोर्शन पे है, मेटा पे केवल माइनस आई लगेगा, माइनस आई बढ़ता है तो बेसिसिटी कम होती है, और माइनस आई ऑर्डर की बात करूं ना तो सीएन का माइनस आई ओएच से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका माइनस आई ओएच से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये कम बेसिक हो गया, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, ये ऑर्डर है किसका, केबी का, पीकेबी का ऑर्डर निकालना है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट आंसर आ जाएगा, थर्ड मैक्सिमम, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर, हो गया। देखो और बताऊं, और बात बताऊं इसमें, चलो देखो ये ध्यान रखना, ये वाला इधर से जा रहा हूं ना, तो बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इनके डीलोकलाइज की टेंडेंसी इतनी है, इसके डीलोकलाइज की टेंडेंसी इतनी है, और इसके डीलोकलाइज की टेंडेंसी और ज्यादा है, तो जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा प्रोटोन को अवेलेबल होने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ये लो वापस बेसिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेस्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ बेसिसिटी। अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और जेई मेन सितंबर 2020 का जो अटेम्प्ट था ना उसमें ऑर्गेनिक के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए थे। देखो ये वाला जो है ना, ये अनडीलोकलाइज, ये डीलोकलाइज, ये अनडीलोकलाइज। अब इसमें यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, ओके, यहां भी लोन पेयर है और वहां भी लोन पेयर है। ये वाले लोन पेयर क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज, और ये वाले कहां हो रहे हैं, अनडीलोकलाइज। तो बेसिसिटी प्रोटोनेशन साइड ये वाली है, प्रोटोनेशन साइट, मतलब समझते हो इसका कि प्रोटॉन वहां अटैक करेगा इसमें। तो ये वाला जो है ना वो है गुआनिडीन टाइप स्ट्रक्चर। अब बोलोगे सर ये कैसे, तो ये ऐसे एन एच, ये वाला डबल बॉन्ड और ये एन, तो यहां अगर एच प्लस जुड़ेगा तो इसका कॉन्जुकेटेड एसिड ऐसे स्टेबल हो जाएगा। भाई यही तो बोला था मैंने, एन सी डबल बॉन्ड एन और ये एन, तो देखो यहां पे ये सी डबल बॉन्ड एन है, ये रहा, इधर एन लगा हुआ है, इधर और लग सकता है, एच लगा हुआ है, तो ये ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर। तो ये मोस्ट बेसिक क्या हो गया, ये मोस्ट बेसिक हो गया। अब देखो यहां डीलोकलाइज हो रहे हैं, अब इसका ये एन डीलोकलाइज लोन पेयर था, यहां से दे रहा है, तो एन डीलोकलाइज वाले ज्यादा बेसिक होंगे। डीलोकलाइज लोन पेयर का कोई रोल नहीं है यहां पे, क्योंकि बेसिसिटी वहां से शो कर रहा है, इसलिए फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है। यहां ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये वाला क्या हो गया, लिस्ट बेसिक। अब यहां भी एन डीलोकलाइज, यहां भी एन डीलोकलाइज, ये एन डीलोकलाइज किसमें है, इन एसपी टू, और ये एन डीलोकलाइज किसमें है, एसपी थ्री। sp नाइट्रोजन एक sp3 हो, नाइट्रोजन एक sp2 हो, नाइट्रोजन एक sp हो, तो ये बेसिसिटी ऑर्डर होता है। sp3 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो गई, आसानी से अपने लोन पेयर दे देगा। तो यहां सबसे ज्यादा बेसिक हुआ वो हुआ आपका c, फिर a, उसके बाद b, और सबसे ज्यादा हो गया d। डी तो सबसे ज्यादा बोला है ना, मोस्ट बेसिक हो गया ना ये, तो मोस्ट बेसिक, तो डी सी ए बी आंसर आएगा, डी सी ए बी फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये एक नया क्वेश्चन यहां आया है, इसको भी समझते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो हाउ टू चेक एसिडिटी, हाउ टू चेक एसिडिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, एसिडिटी को कैसे चेक करेंगे, एसिडिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे चेक करेंगे। देखो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप पकड़ के रखें, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उसका सिंपल कंसेप्ट है कि कार्बन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हटा दो, इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, और ये बन गया कॉन्जुकेटेड बेस, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ, ये इसका हो गया कॉन्जुकेटेड एसिड, इतना तो आप जानते ही होंगे, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी जानते तो बता दूं, कॉन्जुकेटेड बेस और कॉन्जुकेटेड एसिड में हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। देखो हर चीज को बताने की एक लिमिट है, अगर मैं शुरू से उस चीज को बताऊंगा तो यही वीडियो आपके लिए ढाई घंटे का हो जाएगा, और मुझे पता है ये बिल्कुल ढाई घंटे का वीडियो देखना कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता है, ठीक है। ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं, तो समझे कंसेप्ट को, क्वेश्चन पे अप्रोच करने का तरीका आप समझे। तो यहां मैंने क्या बोला, कॉन्जुकेटेड एसिड है, कॉन्जुकेटेड बेस बनाया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेटेड बेस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे कॉन्जुकेटेड बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी ऑफ कॉन्जुकेटेड एसिड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
मतलब जिस एसिड का कॉन्जुकेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दैट्स अ कॉन्सेप्ट, दैट्स अ कॉन्सेप्ट। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेटेड बेस, ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेटेड बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई प्लस आर प्लस एच प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो देखिए, हम कंसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन को लगाते हैं। देखें, ये वाला है CH2H, ये COCH3, इसका अल्फा ये हो गया, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये इधर वाला हो गया PHCOCH और ये COPH, इसका अल्फा ये वाला हो गया CH2HCOME, इसका एच ये वाला हो गया CH2HCONME2। क्लियर? अब देखो, थोड़ी सा कलरफुल जिंदगी करते हुए आपका चलते हैं। ये एच गया, नेगेटिव चार्ज यहां आया, ये एच गया, नेगेटिव चार्ज यहां आया, ये एच गया, नेगेटिव चार्ज यहां आया, ये एच गया, नेगेटिव चार्ज यहां आया। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस दिखा रहा है और ये हाईली स्टेबल कॉन्जुकेटेड बेस बना है, तो मोस्ट एसिडिक जो होगा वो बी होगा। ये भी रेजोनेंस दिखा रहा है, ये भी रेजोनेंस दिखा रहा है, ये भी रेजोनेंस दिखा रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस दिखा रहा है, बट क्या इस ऑक्सीजन के लोन पेयर भी इसके साथ रेजोनेंस दिखा रहे हैं क्या? तो इसका मतलब इसके हिस्से केवल कितना आएगा, 50% रेजोनेंस इधर से होगा, 50% इधर से होगा। मतलब उस नेगेटिव के चार्ज का इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस केवल 50% है, 50% ऑक्सीजन के लोन पेयर शो कर रहे हैं, और यहां ये CO को 100% अपने साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां से ये बात हुई, ये 100% दिखा रहा है और ये दो ऑक्सीजन के साथ दिखा रहा है, 100% इसके साथ और 100% इसके साथ, तो मोस्ट एसिडिक तो ये वाला बी वाला हो जाएगा। उसके बाद यहां भी क्या इस नाइट्रोजन के लोन पर भी रेजोनेंस दिखा रहे हैं क्या, नाइट्रोजन के लोन पर भी रेजोनेंस दिखा रहे हैं क्या? जी हां दिखा रहे हैं। अब ज्यादा रेजोनेंस ऑक्सीजन वाला दिखाता है। अब इसका देखो, इसका माइनस आई देखो, इसका माइनस आई देखो, ज्यादा माइनस आई किसका है, मोर माइनस आई है, तो मतलब ज्यादा एसिडिक हुआ, मतलब इसके इसका रेजोनेंस कम होता है, इसका रेजोनेंस जितना कम होगा वो कार्बन आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इसका रेजोनेंस उसके कंपैरिजन में ज्यादा है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी यहां और कम है, तो सबसे ज्यादा बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, आंसर आ जाएगा मोस्ट एसिडिक हो जाएगा डी, फिर सी, फिर ए, सबसे ज्यादा बी, उसके बाद ए, फिर सी, डी, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म का, ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक लास्ट गुरुनीति में मिसिंग हो गया था, बट ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन बच्चों तक पहुंचाया जाए, इसलिए इस पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ काइरल कार्बन प्रेजेंट इन पेप्टाइड आइसोल्यूशन, पेप्टाइड है आइसोल्यूशन आर्जिनिन और प्रोलीन इज, एक पेप्टाइड आपको दिया हुआ है, इस पेप्टाइड में आपको यह बताना है कि कितने काइरल कार्बन हैं। तो देखो ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन ये है आइसोल्यूशन का, ये वाला है वो है आर्जिनिन का, और ये वाला है वो है प्रोलीन का। तो जब भी पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है ना, तो काइरल सेंटर कांस्टेंट रहते हैं, जितने पहले काइरल सेंटर हैं बाद में भी उतने ही काइरल सेंटर रहेंगे। क्या समझे, जब पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ काइरल सेंटर रिमेन कांस्टेंट, जितने पहले हैं बाद में भी उतने ही रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, सेम होते हैं। तो आइसोल्यूसिन जो है ना, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर है CH3CH CH2CH3, ठीक है, उसके बाद यहां पे CH
और इसके बाद आ जाएगा NH2 और COH। ये तो है आइसोल्यूशन। आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा NH डबल बॉन्ड CH2CH2CH2CH2CH NH2COH। ये आपका आ गया आर्जिनिन, ठीक है। यहां पे NH 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 के बाद तीन CH2 आएंगे। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको डबल कर देते हैं, ये डबल टाइम है CH2 का होल्ड वाइज CH। प्रोलीन, प्रोलीन साइक्लिक है तो प्रोलीन की स्ट्रक्चर है ये वाली NH और यहां पे लगा हुआ है COH। ये आपका हो जाएगा प्रोलीन NHCOH। अब यहां पे काइरल सेंटर हमें कंसीडर करने हैं, तो मैं बोला रिमेन सेम, तो देखो यहां काइरल सेंटर कितने हुए, एक काइरल सेंटर यहां है, एक यहां है, तो दो तो इसके पास रह गए। इसमें काइरल सेंटर की बात करूं तो एक यहां आ गया, sp3 होना चाहिए काइरल सेंटर, तो एक यहां आ गया, इसमें एक काइरल सेंटर यहां आ गया, ये हो गया, क्योंकि हमें काइरल कार्बन पूछा है केवल, काइरल कार्बन, तो sp3 होना चाहिए और डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। तो दो काइरल सेंटर इसमें है और एक काइरल सेंटर इसमें है, एक इसमें है सॉरी और एक इसमें है, तो 2, 1, 3 मतलब कितने काइरल सेंटर हो गए, 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, ये लो क्या है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज विच वन इज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां इस Cl के लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे, तो ये यहां ये क्या रखेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर, यहां ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड करेक्टर, इसमें भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर, और इसमें भी यहां पे ये बीच में sp3 है, तो यहां भी कार्बन क्लोरीन की बात करो तो ये भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब बॉन्ड ऑर्डर गोज टुवार्ड्स सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की तरफ जा रहा है, तो यहां डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा, DBC अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, और सिंगल बॉन्ड करेक्टर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट, वापस एसिडिटी का ऑर्डर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पजेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां से एच जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, यहां से एच जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, इसमें से यहां से H अगर रिमूव करोगे तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, यहां H, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है क्या, इसका केवल 2 साइनाइड के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है, और यहां केवल ये ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है, तो यहां 3 जगह रेजोनेंस हो रहा है, यहां 2 जगह हो रहा है, यहां 1 जगह हो रहा है, यहां हो ही नहीं रहा, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगी फर्स्ट, फिर हो जाएगी थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फोर्थ। हमें पूछा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर बोला है अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको एक कंपाउंड दिया है, इसमें डिफरेंट हाइड्रोजन आपको दी हुई है, उनकी एसिडिटी आपको बतानी है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा क्या, HB सबसे ज्यादा एसिडिक हो गई क्या, उसके बाद ये भी फिनोल है और ये भी फिनोल है, ये दोनों ही क्या है, फिनोल है, बट इस फिनोल पे इस NO2 का क्या लग रहा है, माइनस R, तो फिर HC हो जाएगी, उसके बाद HD हो जाएगी, सबसे कम कौन सी हो जाएगी, HA, क्योंकि HB, HC, HD में है OH बॉन्ड और यहां है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, OH बॉन्ड की एसिडिटी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो BCDA थर्ड आंसर। नेक्स्ट, ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पूछी है, तो एक बार यहां पे CH2COH, एक बार NO2 लगाया हुआ है, CH2CN COH लगाया हुआ है,
CH2F COH लगाया हुआ है, CH2Cl और ये COH लगाया हुआ है। NO2 का क्या लगेगा? माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इधर से इधर जा रहा हूं तो माइनस आई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन अगर चेक करने जाएं तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। नाउ यहां देखो, यहां स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है, तो यहां बनेगा सी माइनस बी आर थ्री, यहां बनेगा सी माइनस सी एन, ये वाला है सी एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। तो यहां पे देखो ये रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो मोस्ट एसिडिक किसके पास हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेटेड बेस मोस्ट स्टेबल है। नेक्स्ट, फिर वापस अरेंज द फॉलोइंग एमीन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये वाले लोन पेयर क्या है? अनडीलोकलाइज। ये वाले क्या है? डीलोकलाइज। और ये वाले भी क्या है? अनडीलोकलाइज। बट ये कहां से आ रहे हैं? sp3 से। ये कहां से आ रहे हैं? sp2 से। तो सबसे ज्यादा तो थर्ड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, ऐसा ऑप्शन अगर चेक करने जाएंगे तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी पे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एंटी एरोमेटिक हो गया, पीछे बात कर चुके हैं। ये वाला एरोमेटिक हो गया, ये वाला भी एरोमेटिक हो गया, और ये वाला भी एरोमेटिक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, तो ये तीनों एरोमेटिक हो गए। नॉन एरोमेटिक मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेसिसिटी का ऑर्डर की बात कर रहा है, तो देखो यहां पीएच का मतलब क्या है? ये वाली रिंग है क्या? तो यहां क्या हो रहा है? ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये अनडीलोकलाइज है, और ये भी अनडीलोकलाइज है, और ये भी अनडीलोकलाइज है। तो देखो आ गया ना मिक्स क्वेश्चन ये वाला। तो अभी मैंने क्या बोला था? 2 3 1 लगाना, उसके बाद क्या बोला था? 2 1 3 लगाना। ये किसके लिए है? ये R बराबर मिथाइल के लिए है, और ये रेड वाला किसके लिए है? ये वाला किसके लिए बोला था? R बराबर इथाइल के लिए। तो इथाइल वाला ज्यादा बेसिक होगा, इथाइल वाला 2 डिग्री, तो B इज करेक्ट आंसर। कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, पीके की बात की है, फिनोल आपको दिया हुआ है, तो एसिडिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKA। फिनोल है, ये सिंपल है, NO2 का माइनस R लगेगा, मेटा पे है माइनस I लगेगा, यहां पे प्लस R लगेगा। क्या बोला था? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस R माइनस H माइनस I प्लस R प्लस H प्लस I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? B हो जाएगा क्या? फिर सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, और सबसे कम कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी मोस्ट, बी सी ए डी, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वापस एरोमेटिसिटी, तो यहां देखो 2 पाई, ये वाला एरोमेटिक, ये वाला एंटी एरोमेटिक, ये वाला एंटी एरोमेटिक, और ये वाला यहां पे क्या है? नॉन एरोमेटिक। आपसे पूछा है कौन सा नॉन एरोमेटिक है, तो यहां पे नॉन एरोमेटिक है डी। विच ऑफ द विच कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग, एक सॉरी, यहां ये sp3 आ गया ना, तो ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो बी और डी क्या है? नॉन एरोमेटिक है। बी और डी नॉन एरोमेटिक है, आपसे इज आर नॉट एरोमेटिक, कौन से एरोमेटिक नहीं है, और ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक केवल यही है। तो बी सी डी आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, अब देखो, इन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन, अभी मैंने बोला था, तो देखो ये वाला तो क्या हो रहा है? डीलोकलाइज। ये वाला क्या है? अनडीलोकलाइज। ये वाला भी क्या है? अनडीलोकलाइज। ये वाला क्या हो रहा है? डीलोकलाइज। और ये वाला क्या है? अनडीलोकलाइज। तो H प्लस तो वहां जाएगा ना जहां लोन पे डीलोकलाइज नहीं हो रहा, तो बी सी डी थर्ड इज करेक्ट आंसर। ये एसिडिक ऑर्डर, तो यहां पे देखो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड,
पहला दिया सी एच ट्रिपल बोंड सी एच, यहां से एच जाएगा सी एच थ्री सी ट्रिपल बोंड सी एच, यहां से जाएगा सी एच टू डबल बोंड सी एच, यहां से जाएगा। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। ये मोर स्टेबल, टॉप टू बॉटम जाऊंगा, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एस परसेंट डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंट करेक्टर। भाई इसमें सी एच थ्री का प्लस आई भी तो लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां एसिडिक ऑर्डर सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, जो ऑर्डर अरेंज किया हुआ है उसी ऑर्डर पे आ जाएगा, और ऐसा ऑप्शन ये वाला है, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारी ये जीओसी की जो है गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर जेई मेन पेपर खत्म होता है। आगे आपको मिलने वाला है हाइड्रोकार्बन एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, तो अगर आपने सीएलसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।